क्या वाकई जल्दबाजी में है बीरेंद्र सिंह, इसी को लेकर के आज हम चर्चा करें, क्योंकि जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से बयानों से भी पलटते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मैं 23 साल से इंतजार कर रहा हूं सीएम पद को लेकर के, और जब उनसे पत्रकार ने कहा कि आप 21 साल से इंतजार करें, तो साफ तौर से उसे झिड़कते हुए उन्होंने कहा था कि मैं 23 साल से इंतजार कर रहा हूं, और अब लगातार वो जिस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं, कल ही उन्होंने एक बयान ये दे दिया था कि बीजेपी जो है मुझे अपनाने से पहले या मुझे शामिल करने से पहले कहीं ना कहीं मेरा दमखम देखना चाहती है, और शायद 16 तारीख जो रैली होने वाली है जींद में, वो रैली दमखम दिखाने को लेकर के ही की जा रही है बीरेंद्र सिंह की तरफ से। लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ रविंद्र जी जो नेता कांग्रेस से हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी के पास मैं चलूंगी यहां पर, और रविंद्र जी आपसे यही जानने की कोशिश, जिस तरह से लगातार बयानबाजी बीरेंद्र सिंह की तरफ से की जा रही है काफी सालों से, 40 सालों से, आप भी उन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, इन जो बयानबाजी हो रही है उस संकेत का हम क्या मतलब उसका निकालें, क्या क्या संकेत वो देना चाह रहे हैं? सिंह की बात है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं जी। महत्वाकांक्षा राजनीति में हर व्यक्ति की होती है, जो एक वर्कर भी कांग्रेस में या किसी पार्टी में आता है एक महत्वाकांक्षा उसकी रहती है किसी न किसी पद पर पहुंचने की, चाहे वो कोई भी इलेक्टेड पद हो, तो उनके मन में भी महत्वाकांक्षा रही होगी, लेकिन अति महत्वाकांक्षा रखना कभी भी किसी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं रहता। अब आप देखिए, मुख्यमंत्री का पद तो एक है, मुझे नहीं पता, हम भी उस समय यूथ कांग्रेस में थे जब ये बात करते हैं 91 के मैं 23 साल से इंतजार कर रहा हूं, हमें नहीं पता कब ये मुख्यमंत्री बनने वाले थे या अब मुख्यमंत्री कैसे बीजेपी में जाकर बन सकते हैं। मैं भी आपके चैनल पे देख रहा था कि अभी कह रहे थे मैंने कौन सा कांग्रेस छोड़ दी या भाजपा ज्वाइन कर ली, कभी कहते मेरा दमखम देखना चाहते हैं, कभी कोई बात करते। मेरे को ये लगता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मैं मान सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं, और अति महत्वाकांक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वर्कर हो चाहे नेता हो, उसके लिए ठीक नहीं रहती, और उनको हर समय बयानों में अखबारों में सुर्खियों बने रहने के लिए ऐसे बयान वो देते रहते हैं जी। इसे हम अति महत्वाकांक्षा के साथ साथ जल्दबाजी भी कह सकते हैं रविंद्र जी? बिल्कुल जल्दबाजी है। जैसे देखो, अभी वो पिछ कह रहे, मैं 40 साल के राजनीतिक जीवन में कांग्रेस में हूँ, बड़े लोगों ने, हम लोगों ने भी उनको आदर्श, हम लोगों ने, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते, एक समय में सहयोगी नेता हुआ करते थे, जब हम कांग्रेस में 83-84 में आए, तो उसके बाद ये कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। मैं नहीं समझता कांग्रेस पार्टी इनको कोई मान सम्मान देने में कमी रही होगी, रखी होगी, ये प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश में MLA भी रहे, मंत्री रहे, और इवन के कांग्रेस हाईकमान, देखो माननीय सोनिया गांधी जी ने पिछले बार इनको उचाना विधानसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में भेजा, चार चार स्टेटों का प्रभारी रखा, इनके प्रभार में विभिन्न प्रदेशों में चुनाव लड़े गए, कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव रहे, कांग्रेस सबसे बड़ी जो अपेक्स बॉडी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे, राज्यसभा मेंबर बनाया। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा किसी व्यक्ति को किसी पार्टी में इतना ज्यादा सम्मान दिया जा सकता है। आप कंपैरिजन करिए कि बीजेपी से जिस पार्टी में हमारे ये नेताजी जा रहे हैं या वर्चुअली जा चुके हैं, उनके अपने नेताओं का क्या हाल है, कैसे वो अपने बुजुर्ग नेताओं का, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, अडवाणी जी हों, या और बड़े नेताओं, या जो नेता कैबिनेट में भी शामिल किए गए हैं, उनका साथ क्या व्यवहार बीजेपी कर रही है। मुझे सोच के कई बार डर भी लगता है कि हमारे इन माननीय नेताओं के साथ, नेताजी के साथ बीजेपी में कैसा सलूक होने जा रहा है, मुझे तो अभी से डर लगता है। लेकिन अभी तक अगर हम राव इंद्रजीत की बात कर ले, या इनके अलावे हम भिवानी में जो बने उनकी बात कर ले, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक अच्छा पद मिल चुका है रविंद्र जी। देखिए बात है कि जब चुनाव का मौसम आता है, दल बदल का काम शुरू होता है। अब राव इंद्रजीत सिंह सी, राव इंद्रजीत सिंह के पिताजी मुख्यमंत्री रहे, वो भी कांग्रेस से, और सारा परिवार कांग्रेस में रहा, लगातार कांग्रेस से उन्होंने अपनी साख बनाई। क्या राव इंद्रजीत सिंह अगर कांग्रेस के मंत्री या MP ना होते, क्या बीजेपी उनको ले लेती? क्या बीजेपी उनको MP का टिकट देती? क्या धर्मवीर सिंह जी कांग्रेस के MLA ना होते, क्या बीजेपी लेके नेक्स्ट डे उनको टिकट देती? सब कुछ उनको तो आभार व्यक्त करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, जिसने उनको इतने लेवल तक पहुंचाया कि आज बीजेपी ने उनको लिया। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को तो सोचना जी, इससे बड़ा किसी, देखो मुख्यमंत्री तो एक ही बनता है, मुख्यमंत्री के अलावा कितने, माननीय सोनिया गांधी जी ने त्याग किया, प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह बने, तो क्या सोनिया गांधी कांग्रेस छोड़ देती क्या मनमोहन सिंह जब अध्यक्ष बने? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का एक ही पद होता है, और उसमें योग्य व्यक्ति है। आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा सिंह जी पद में है, पद तो खाली है नहीं,
कैसे दिया जा सकता है जी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सींचा किसी और ने और फल तोड़ लिया किसी और ने, बीजेपी फल तोड़ने वालों में से आगे। रविंद्र जी हम आपके पास आएंगे एक बार फिर से, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद भी हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या बीरेंद्र सिंह वाकई जल्दबाजी में है, क्योंकि पद तो एक ही होता है सीएम का और वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए ये उन्होंने पूरे बयानबाजी का दौर चलाया, उसके बाद आज वो बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। 16 तारीख को उनकी एक रैली भी होने जा रही है जिसमें वो दमखम दिखाएंगे और बीजेपी में शामिल होंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।